हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया अपडेट आया है जो कि आपका अनलॉक टूल के अंदर जो आज की डेट में एक लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि सैमसंग के जो FRP आप जब निकालते थे, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना था, आपको हाई पेमेंट देना पड़ रहा था या फिर ISP से आपको करके अनलॉकिंग करना पड़ रहा था, अभी ये सारे जो भी चीज़ आप देख रहे थे YouTube से, आप बाईपास वगैरह कर रहे थे देखने के लिए, लेकिन अब ये सारे चीज़ें खत्म हो गई है और आज के नए अपडेट के अंदर सैमसंग वन क्लिक के अंदर आपका FRP रिमूव कर रहा है, जो कि उसमें कोई भी एंड्रॉयड वर्जन का ऐसा नहीं है कि यहाँ तक सपोर्ट है, आप एंड्रॉयड 10, 11, 12 लेटेस्ट जितने भी अब जो भी अपडेट आएंगे लेटेस्ट के लेटेस्ट सारे के सारे वो उसमें वन क्लिक में हो रहे हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक सैमसंग का है जिसके अंदर एंड्रॉयड 10 वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वाला फ़ोन है और ये हमारा USB से नहीं होता था अभी तक, अगर देखा जाए तो हम कोई भी टूल से नहीं कर सकते थे इसे, एक तो ऑनलाइन वगैरह करना होता था या यूट्यूब से बाईपास करना होता था या फिर कोई भी जैसे कि हमारा ISP UFI बॉक्स से या EasyJet बॉक्स से करना हो रहा था, लेकिन ये लेटेस्ट फ़ोन हम USB से वन क्लिक में एकदम मतलब इजीली आपको ट्रिक बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोन है कि जो कि एक वेलकम स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है कि फैक्ट्री रिसेट की वजह से ये FRP लॉक हो गया है, जो कि हमारा नेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो हम इसे FRP यहाँ पे आपके सामने लाइव निकालेंगे और इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो एक अनलॉक टूल से निकालेंगे, और अगर जिस भाई के पास अनलॉक टूल नहीं है उसके साथ साथ मैं एक लिंक भी देता हूं आपको, आप वो फ्री वाला टूल भी यूज करके आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे लैपटॉप में स्क्रीन पे आ जाएंगे आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लॉक टूल की जो वेबसाइट होती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ लेटेस्ट अपडेट क्या बता रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है, जैसे कि यहाँ डाउनलोड में आ जाएंगे और डाउनलोड में आने के बाद आपको यहाँ पे अनलॉक टूल में लेटेस्ट न्यूज बता रहा है, वर्जन आपको यहाँ पे बताएगा, आज की डेट 30 तारीख का, देखो आज 30 ये है, जैसे कि मेरा यहाँ पे लैपटॉप में है 30 तारीख का, और ये सुबह 9:50 में अपडेट आया है, और इसी के साथ ही साथ में नीचे फ्यूचर्स भी बता रहा है कि साथ में आपको क्या देखने मिलेगा, जैसे कि सैमसंग फ्यूचर अपडेट बता रहा है, सैमसंग रिमूव FRP विथ वन क्लिक, ऑटो इनेबल ADB, और इसके साथ ही साथ एंड्रॉयड वर्जन 10, 11, 12 ये सारे चीज़ बता रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसके साथ साथ यह लिंक भी है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये लिंक डाउनलोड कर दिया है और मैं ये इसको टूल को ओपन कर लेता हूँ सिंपली, जैसे कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड में ये टूल पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये सेटअप को ओपन कर लेता हूँ अनलॉक टूल, और साथ ही साथ एक फ्री का भी टूल मैं आपको बताऊंगा, अगर जिस भाई के पास FRP टूल का अनलॉक टूल नहीं है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टूल भी आपको लिंक देता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अनलॉक टूल से बताऊँगा और साथ ही साथ फिर मैं आपको इस चीज़ से भी बता दूंगा जो कि फ्री वाला टूल है, और ये साथ मेरे पास ये लिंक में रहेगा आपको। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा टूल ओपन हो गया और यहाँ पे आपको ID पासवर्ड डालना पड़ता है सबसे पहले लॉगिन के लिए। तो ID पासवर्ड लॉगिन हो रहा है मेरा और यहाँ पे टूल ओपन होने तक वेट करेंगे हमारे, ये ऑप्टिमाइजिंग हो रहा है, सारा लिस्ट आ रहा है इसका। जैसे कि यहाँ पे मेरा टूल ओपन हो गया है और मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि अनलॉक टूल के अंदर ये अपडेट आया है, और साथ ही साथ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो भी एक मिल रहा है कि आप ये वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव बताऊंगा करना क्या है। आपको आना है सिंपली सैमसंग में, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ सैमसंग पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कॉम रिमूव FRP ये वाला एक ऑप्शन है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे आता है एक ऑप्शन ओपन इमरजेंसी डायलर एंड डायल *#0*#, एंड देन क्लिक कंटिन्यू।
तो जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कोई भी नेट वगैरह कोई कनेक्ट नहीं करना, एकदम सिंपली वे है। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन है मेरा, और मैं यहाँ पे सिंपली मैं इमरजेंसी डायलर, यहाँ पे देखना मैं कोई भी सिम नहीं है या ना कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट है। ये मेरा ऑनलाइन वाला प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन वाला प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, मैं इमरजेंसी डायलर में आ जाऊँगा। और जैसे कि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि स्टार है जीरो स्टार है इसका कोड डालना, तो यहाँ पे हम स्टार है जीरो स्टार है इसका कोड डालेंगे। जैसा कि आपको ये सब चीज़ें पता है, और जैसे कि यहाँ पे ये सारे फंक्शंस आ गए, मैं यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे पीसी को कनेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे मेरा जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम 38 सैमसंग का कोड बना दिया है, सैमसंग मोबाइल यूएसबी बोल के। और मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक, तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे मेरा फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मेरा आईमी नंबर भी बता दिया है, और यहाँ पे इनेबल एडीबी का ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ पे फील्ड हो गया इनेबल एडीबी का फील्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा फास्ट नहीं आया था। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार अलाउ कर दूंगा, और मैं ये फिर से प्रोसेस कर लूँगा, यहाँ पे रिमूव एफआरपी पे क्लिक कर लूँगा और फिर से कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा एडीबी यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा, तो एक बार यहाँ पे वेट करते थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे इनेबल हो गया, ओके, और यहाँ पे रिमूव एफआरपी ओके हो गया, जैसे कि आपके सामने लाइव है। अब यहाँ पे ये फोन मेरा जैसे कि एफआरपी यहाँ पे डन हो गया है, और यहाँ पे मुझे सिंपली करना है मोबाइल को रिस्टार्ट। जैसे कि मेरा यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 10 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट वाला वर्जन है, और साथ ही साथ इसका यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन आपको यहाँ पे शो करेगा, इसका सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जा रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारा यहाँ पे ओके बता रहा है, अब यहाँ पे हम रिमूव कर लेंगे और फोन को यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं रिस्टार्ट कर लिया फोन को, और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 27 सेकेंड में आपका ये फोन एक रिमूव हो रहा है एकदम इजी वे में, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं, कोई ऑनलाइन का सर्वर नहीं, कुछ नहीं, ना नेट कनेक्ट करना है, ना आपको कुछ कनेक्ट करना है, ना सिम, इसमें पासवर्ड लगा के आपको जैसा कि यूट्यूब जैसा बाईपास करना होता है, ये सारे चीज़ें आपको करना होता था। जैसे कि आपके सामने फ़ोन, अभी जैसे कि मेरा वेलकम स्क्रीन पे इशू था, अभी मैं आपके सामने लाइव ओपन कर लिया फ़ोन, जैसे कि आप देख सकते कोई भी चीज़ नहीं, डायरेक्ट मेनू पे आ गया। जैसा कि मेरा वेलकम स्क्रीन पे था, जैसे कि वहाँ पे नेक्स्ट करना हो रहा था, मुझे यहाँ सारा चीज़ करना था, मैंने ना कि नेट कनेक्ट किया, ना कि मैंने कुछ कनेक्ट किया, सिर्फ वन क्लिक करके मैंने यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट किया, और डायलर में स्टार है जीरो स्टार है इसका कोड डाल के मैंने फ़ोन को एडीबी इनेबल किया। और वो करने के बाद, मैंने यहाँ पे आने के बाद वन क्लिक करने के बाद सारा कुछ ये डन हो गया, और सिंपली आपके सामने यहाँ पे फ़ोन रिबूट कर लिया। और रिबूट होने के साथ साथ यहाँ पे मैं आप देख दिखा सकता हूँ कि जैसा कि मेरा स्क्रीन डायरेक्टली मेरा होम स्क्रीन पे आ गया। तो ये सारे चीज़ें आप कोई भी वर्जन 10, 11, 12 और एनी मॉडल, कोई भी मॉडल होने दो, आप ये इजीली रिमूव कर सकते हैं, एकदम बेस्ट तरीका है। और साथ ही साथ में इसका एक फ्री का टूल भी है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर जिस भाई के पास अनलॉक टूल नहीं है उसके लिए मैं एक लिंक भी देता हूँ, आप वो लिंक से डाउनलोड करके बस उस पर क्लिक करना है, सेम प्रोसेस करना है, आपको वही कोड डालना है, और बस क्लिक वो फंक्शन पे क्लिक करना है और ओपन करके आपको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नीचे दिए हुए नंबर पे आप यहाँ पे कॉल करके आप आगे के नेक्स्ट बैच के लिए डिटेल्स भी आप उसमें ले सकते हैं, हमारे नंबर दिए गए नंबर पे। और 27 मई का हमारा बैच बुकिंग हो रहा है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारा चीज़ें, 27 मई के लिए हमारी सीट बुक आप कर सकते हैं इजीली। और आपको हर दिन नया कुछ अपडेट आएगा, तो हम आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।